एक बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन स्क्रीन प्ले, एक बहुत ही उम्दा स्टोरी और बेहतरीन थ्रिल और साथ ही साथ कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग के लिए सूजल द वॉर्टेक्स यानी कि भंवर जो वेब सीरीज है वो जानी जाएगी। मुद्दा इस सीरीज के अंदर पुराना है लेकिन प्रस्तुति और फिल्मांकन जिस तरीके से किया है दर्शक जो है पूरी इस सीरीज के साथ बंधे रहेंगे, एक भी सीन्स को छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि इस सीरीज का एक एक सीन जो है ना कहानी की कड़ी को जोड़ता है और रहस्यों के पर्दों को उठाता है। स्टोरी साधारण है लेकिन कहानी को जिस तरीके से परोसा गया है वो अद्भुत है। परत दर परत कई कड़ियां खुदती। कहानी की शुरुआत होती है कि एक सीमेंट की फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है और इसी सीमेंट की फैक्ट्री के ब्लास्ट की इंक्वायरी के बीच से एक नाबालिग बच्ची का गायब होने का केस दर्ज होता है। साथ ही कस्बे के अंदर देवी का त्योहार मनाया जा रहा है जो कि 9 दिन का है। इधर फायर इंस्पेक्टर फैक्ट्री में आगजनी के केस को सुलझाने में लगा है। उधर यानी कि इस कस्बे का इंस्पेक्टर सरकई गुम हुई लड़की नीला खोजबीन में लगा हुआ है। इसी बीच नीला की बहन नंदिनी जो है शहर से अपने कस्बे में आती है ताकि अपनी बहन को वो ढूंढ सके, लेकिन इंक्वायरी में पता लगता है कि नीला की किडनैपिंग हो गई है। अब नीला की बहन और इंस्पेक्टर सरकई इंक्वायरी में कई शहरों और जगहों में जो है वो नीला को ढूंढते हैं। इसी बीच उन्हें कई कड़ियां मिलती हैं पर जिन कड़ियों को वो जोड़ते हैं बाद में वो कड़ियां टूट जाती है। किडनैपिंग का केस फिर बाद में हत्या में तब्दील हो जाता है और फिर शक की कई कड़ियां कईयों की तरफ घूम जाती है। कभी पुजारी, कभी अघोरी, कभी नीला की प्रेमी अधिसियम जो कि इंस्पेक्टर रेजिना का लड़का है। इंस्पेक्टर रेजिना जो है वो सरकई इंस्पेक्टर की सीनियर है, लेकिन फिर से जो है कहानियां कड़ियों में उलझ जाती है। जब नीला और उसके प्रेमी अधिसियम की लाश मिलती है तो उसके बाद ये पूरी कहानी जो है पलट जाती है। और जब ये कहानी पलटती है तो उसके बाद जो है पहले किडनैपिंग, फिर नीला की हत्या और नीला की हत्या के बाद जो है यौनाचार में ये केस तब्दील हो जाता है और यौनाचार के बाद ये जो है नरबलि पे पहुंच जाती है। यानी कि इस हत्या के एंगल में कई मोड़ आते हैं जो कि आपके दिमाग को झकझोर देंगे। जब नीला और उसके प्रेमी अधिसियम की लाश मिलती है तो उसके बाद जो है पूरी कहानी पलट जाती है और इस नीला और उसके प्रेमी अधिसियम की जो मृत्यु है उसके लिए जो नीला के पिता सनमुगम और अधिसियम की जो इंस्पेक्टर माँ है रजीना उसकी दुश्मनी को माना जाता है। लेकिन फिर कहानी पलट जाती है, मतलब अगले पल कौन अपराधी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। केस की इंक्वायरी कई मोड़ लेती है और साथ ही साथ हर करेक्टर की निजी जिंदगी को दर्शाती भी है जो नीला से जुड़े हुए हैं। इसी केस के दौरान जो है इंस्पेक्टर सरकई जो है वो अपनी मंगेतर से अपने रिश्ते को बचाने में लगा हुआ है और नीला की बहन नंदिनी की तरफ को वे धीरे धीरे आकर्षित भी होने लगता है। फिर भी नीला की बहन नंदिनी के इलाज के दौरान नंदिनी को आभास हो जाता है कि जो नीला का कातिल कौन है और आखिर में ये कत्ल क्यों हुआ है। इस सीरीज के अंदर फिर जो है आखिर में दिखाते हैं कि कस्बे का त्योहार का आखिरी दिन है और देवी को खुश करने का दिन है। नंदिनी आखिर में कातिल के साथ क्या करती है और इंस्पेक्टर सरकई कातिल को पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है, फैक्ट्री की आगजनी का जो केस है उसका क्या होता है और ये जो सारी कड़ियां हैं फैक्ट्री की आगजनी और नीला की हत्या, अधिसियम की हत्या, इन सब कड़ियों को जो है जोड़ करके आखिर में क्या निचोड़ निकलता है, इसके लिए तो है आपको सस्पेंस थ्रिल से कसी हुई कहानी के लिए सुजल द वॉर्टेक्स सीरीज को देखना पड़ेगा। दोस्तों ये जो सीरीज है बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, बहुत ही अच्छे ढंग से डायरेक्टर ब्रह्मा जी और अनुचरण मुर्गियन ने इसको डायरेक्ट किया है। राइटर जो है चंदन कुमार, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है सीरीज लिखी है, बहुत ही कसी हुई कहानी लिखी है। मतलब जो कहने का स्टोरी टेलिंग का तरीका ना वो बहुत ही शानदार है, मतलब आप इस कहानी से बंधे रहेंगे। बात करते हैं एक्टर की तो एक्टर में कथिर हैं, ऐश्वर्या राजेश हैं, राधा कृष्णन हैं, सरिया रेड्डी हैं, सब ने जो है बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। और सबसे बड़ी बात स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही शानदार है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस सीरीज की याद ये है कि आप जो है कहानी है उसके साथ बने रहेंगे, आपको आसपास का कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक या कपड़े क्या पहने या सीन्स क्या है उससे कोई मतलब नहीं होगा, आप सिर्फ स्टोरी पर ही ध्यान देंगे। एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी बनाई गई है और ये जो सुजल द वॉर्टेक्स जो है वो वेब सीरीज जो है अमेजन प्राइम पर रिलीज है। तो दोस्तों आप इस सीरीज को आप देखिए और बहुत ही उम्दा किस्म की सीरीज बहुत दिनों बाद देखने को मिली है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और मूवी के रिव्यू के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।